सभी को नमस्कार ग्रासमिक पाइथन पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे रिवाइज सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट आईटी टी फॉर क्लास नाइन्थ एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ऑफ द कोर्स एंड एग्जाम पैटर्न आल्सो अब अगर हम रिवाइज सिलेबस की बात करें तो सी में टू टाइप्स के कोर्सेज चलते हैं एक वोकेशनल कोर्स चलता, चलता है और एक नॉन वोकेशनल कोर्स चलता है सी का डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन डील करता है वोकेशनल कोर्सेज के साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है आज की डिमांड को देखते हुए जिसके अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी आई और आई इंडस्ट्रीज के अंदर तो इस कोर्स को करने के बाद आपके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर आप काम कर सकें अब अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सी बी एस ई के अंदर इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो टेन मार्क्स का होगा जिसमें फिफ्टी मार्क्स आपका थ्योरेटिकल होगा और फिफ्टी मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा कंप्लीट सिलेबस को चार सेक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे हंड्रेड मार्क्स को जिसके अंदर पहला सेक्शन आपका ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल थर्ड आपका सी प्रैक्टिकल वर्क एंड फोर्थ आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को चार सेक्शन के अंदर पाँच सेक्शन के अंदर माफ कीजिएगा पाँच सेक्शन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल सेल्फ मैनेजमेंट स्किल वन आई स्किल वन एंट्रप्रन्यरशल स्किल वन एंड ग्रीन स्किल वन ये वन वन आप यहाँ पे नाइन्थ क्लास में पढ़ेंगे और अगर इसी की सेकंड की बात करें तो वो आप लोग टेंथ क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास का सिलेबस कुछ हद तक सेम है थोड़ा सा एडवांस उन्होंने टेंथ में किया है तो अगर आप नाइन्थ क्लास में अच्छी मेहनत कर लेते तो टेंथ में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और इसका जो वेटेज है वो आपका टेन मार्क्स का वेटेज है अब अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात करें तो इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस या आईटी जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसकी स्किल डेवलप करेंगे इसका जो वेटेज होता है वो 40 मार्क्स का होता है तो इसका टोटल अगर हम थ्योरेटिकल पेपर बात करें तो ये आपका फिफ्टी मार्क्स का वेटेज हो चुका है अब अगर हम प्रैक्टिकल वर्क की बात करें तो प्रैक्टिकल वर्क आपका थर्टी फाइव का होगा एंड प्रोजेक्ट और फील्ड विजिट वर्क होगा वो आपका फिफ्टी मार्क्स का होगा तो ये टोटल आपका हो जाएगा फिफ्टी मार्क्स ठीक है इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो चलते हैं डिटेल में करिकुलम को डिस्कस करने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन स्क्रीन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सी बी एस ई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर द सेशन 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका सब्जेक्ट कोड होगा 402 जीरो टू जो आ, रोल होगा इसका डोमेस्टिक एंट्री इस इस डेटा एंट्री ऑपरेटर और इन्होंने कहा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रिंग डेटा इन द डिफरेंट एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर डेटा मैनेज एंड मेंटेन इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग देन इसके बाद इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स कहा है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते तो आपके अंदर क्या क्या कंसेप्ट एक तो फंडामेंटल ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल स्प्रिड सेट, डिजिटल प्रेजेंटेशन डेटाबेस मैनेजमेंट इंटरनेट सिक्योरिटी देन इसके बाद क्या होगा इसके अंदर अगर हम इसके बात करें सिलेबस की तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो सेशन ट्वेंटी के लिए टोटल मार्क्स हंड्रेड मार्क्स थ्योरी मार्क्स आपका फिफ्टी मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल मार्क्स आपका फिफ्टी मार्क्स का होगा अब यहाँ पे देखिए अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पार्ट ए के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब आपके अंदर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो एम्प्लॉय के अंदर जो स्किल्स होती है जैसे कम्युनिकेशन स्किल होती है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है आई स्किल होती है मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देन एंट्रप्रन्यरश स्किल होती है और ग्रीन स्किल ये पाँचों यूनिट्स का जो टोटल वेटेज हो टेन मार्क्स है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात करें इट मीनस आपको सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्रीज के बारे में वो आपका चार नंबर का होगा डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल छः नंबर का होगा देन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मीन्स आपका वर्ड होगा ये आपका टेन मार्क्स का होगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिट सीट आपका टेन मार्क्स का होगा और डिजिटल प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी तो कहने का मतलब ये है कि आपको वर्ड पढ़ना है एक्सेल पढ़ना है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ना है इसके बाद डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल और आईटी और आईटीज इंडस्ट्रीज के बारे में आपको डिस्कस करना है तो ये फोर्टी मार्क्स का आपका ये होगा देन आपका प्रैक्टिकल वर्क पार्ट सी की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका पंद्रह नंबर होगा रिटर्न टेस्ट आपका फिफ्टीन मार्क्स का होगा वाइबा आपका टेन मार्क्स का होगा टोटल थर्टी फाइव का ये हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल फाइल और स्टूडेंट पोर्टफोलियो आपका टेन मार्क्स का होगा इसका जो वाइबा होगा वो फाइव मार्क्स का होगा ये फिफ्टीन मार्क्स का होगा तो फिफ्टीन प्लस थर्टी फाइव ये आपका हो गया 50, 40 प्लस टेन ये हो गया आपका 50, तो 50 प्लस फिफ्टी ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आपकी जो इंट्रोडक्शन टू आईटी और आईटी इंडस्ट्रीज में अप्रिसिएट द एप्लीकेशन ऑफ आईटी मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के अंदर ये ये चीज़ें आपको पढ़नी है देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है यूज़ की एंड माउस फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसके अंदर थ्योरी के अंदर लिख रखा है की स्किल टाइप्स ऑफ की एंड ऑन की बोर्ड न्यूमेरिक की होम की गाइड की ये सारी चीज़ें दे रखी है और इसका प्रैक्टिकल आपको देखना है कि ये चीज़ें करना है यूज टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जो टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है देन इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट ए डॉक्यूमेंट्स यूजिंग वर्ड प्रोसेसर मीन्स एम एस वर्ड पर आपको काम करना है फिर उसके बाद अप्लाई करना है एडिटिंग फीचर्स उसके ऊपर देन इसके बाद अप्लाई फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको करना है इट मीन्स जस्टिफाई करना है लेफ्ट राइट right इस तरीके का क्रिएट एंड वर्क विद टेबल टेबल को आपको इंसर्ट करना है और डिलीट करना है उस तरीके के सारे ऑपरेशन यहाँ पे रो इंसर्ट करना रो डिलीट करना स्प्लिट करना ये सारी चीज़ें देन यूज़ प्रिंट ऑप्शन ठीक है ये आपका हो जाएगा इसके अंदर देन लर्निंग आउटकम इसमें आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई द मेल मर्ज इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिड सीट के अंदर आपका क्रिएट स्प्रिड सीट दे रखा है अप्लाई फॉर्मल एंड फंक्शन इन स्प्रिड सीट दे रखा है फॉर्मेट डेटा इन आई स्प्रिड सीट दे रखा है अंडरस्टैंडिंग अप्लाई रेफरेंसिंग दे रखा है क्रिएट एंड इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इन आई स्प्रिड सीट दे रखा है तो आपका उसके अंदर हो जाएगा एक्सेल के अंदर देन पीपीटी की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएट प्रेजेंटेशन वर्क विद स्लाइड्स देन इसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट एंड अप्लाई एनिमेशंस क्रिएट एंड यूज टेबल इनसर्ट एंड फॉर्मेट इमेज प्रेजेंटेशन दैन वर्क विध स्लाइड मास्टर ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा दैन इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है आ, तो ये था लिस्ट ऑफ इक्वमेंट एस मटेरियल ये आपके काम की चीज़ नहीं है यह आपका कम्प्लीट सिलेबस था अगर आप इस सलेबस uh, को देखते हैं तो ये सिलेबस टेंथ क्लास के सिलेबस के साथ भी मैच हो रहा है तो आप इलेवन नाइन्थ क्लास में अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ट्वेल्थ टेंथ क्लास में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस पी फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड करके कम्प्लीट सिलेबस को आप देख सकते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आईसीटी स्किल के वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आएंगे तो आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन पर बने रहिए और अगर अभी तक आपने ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो टेंथ और नाइन्थ क्लास में है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इसी वीडियो पे इसी चैनल पे आपको टेंथ क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट मिलेगा अगर आपकी किसी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सारे वीडियोज आप लोगों को हमारे ग्रासमिंग पाइथन चैनल पे हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए जय हिंद जय भारत